हेलो अकरम सर, हाउ आर यू। जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग योर वेबसाइट indiantravels.co.in, ठीक है जी। सबसे पहले सर पहले वेबसाइट का एनालिसिस लेते हैं। स्पीड देखा सर, वेबसाइट की स्पीड ठीक है जी। आपकी वेबसाइट का एक सॉफ्टवेयर एनालिसिस लेते हैं। विंडो सर पर मैसेज चल रही है, गूगल मैप एप्लीकेटेड देख रही है, sp.net sp.net में वेबसाइट चल रही है, ठीक है। श्योर, लेट्स टेक द इसका इंटरनल देखते हैं हम कि वेबसाइट चल कैसे रही है। ठीक है, वाटरफॉल्स इसका सर हम चेक करें कि अगर ये प्लैगिज्म है कि ठीक है। प्लैगिज्म का मतलब होता है कॉपी कंटेंट, कॉपीड तो नहीं है कहीं। जो भी रिजल्ट होगा सर आपके सामने होगा सर। ग्रेट, 100% प्लैगरिज्म सर। कंटेंट मतलब सारा ही कॉपीड कंटेंट है जी, सब के सामने जी, सब कुछ A to Z कॉपीड कंटेंट, कॉपीड कंटेंट है सर सारा। ठीक है ना सर। तो सर अब इसका अगर हम एक ही हल निकल सकता है कि हम इसका कंटेंट भी ठीक करना पड़ेगा जी, क्योंकि सर जब तक तो कंटेंट कॉपीड है ना तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम इसके कंटेंट को ग्रामेटिकली और अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं से कॉपी किया गया है, शायद विकीपीडिया से कहीं से भी कॉपी किया जा सकता है। तो इसका सर खराबी ये होगी कि इसमें मतलब कि जब हम एसईओ कर रहे हैं तो सर गूगल इसके कंटेंट को रीड कर रहा है, तो सर गूगल इसको प्लैगिज्म में लेकर आएगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। तो इसके बाद सर अगर हम देखते हैं तो सॉफ्टवेयर अगर हम देखते हैं, हम सीधा वेबसाइट का एनालिसिस देख लेते हैं, वेबसाइट कैसी होने वाली है जी। ठीक है सर, बैकलिंक्स वेबसाइट के कोई नहीं है, बैकलिंक नहीं है, बैकलिंक्स होंगे तो ही वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। ये देखिए, अगर बैकलिंक्स बनेंगे तो वेबसाइट को ट्रैफिक खुद ही ऑर्गेनिकली मिल जाएगा। ठीक है ना सर। तो इसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, इसके लिए हमें इसकी एसईओ करनी पड़ेगी। हम मिनिमम 5 कीवर्ड्स का स्टार्ट कर सकते हैं जी। ठीक है सर, मिनिमम 5 कीवर्ड्स का हम स्टार्ट करेंगे तो वी कैन डू सो फार। ठीक है सर, बाकी इसकी स्ट्रेटजी हम बाद में प्लान कर सकते हैं, पहले हम इसको कम से कम एक ट्रैफिक लेकर आए इसके ऊपर। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू।